मालूम है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है अंडर 500 रुपीस। ये ईयरफोन्स नए Realme Buds 2 Neo से भी अच्छे हैं। क्यों, क्या आपको Realme Buds 2 खरीदना चाहिए या Realme Buds 2 Neo? क्या आपको मालूम है कि आप इसे 499 रुपीस में खरीद सकते हो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रेंडी टेक 5। आज मैं आप सब लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन अंडर 500 सेगमेंट का अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ और ये Realme ब्रांड की तरफ से है और इन ईयरफोन्स का नाम है Realme Buds 2। सो रिसेंटली Realme ने एक नया ईयरफोन लॉन्च किया है, Realme Buds 2 Neo। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है पर मैं बोलूँगा ये दिस आर द बेस्ट ईयरफोन कंपेयर टू दैट ऑल्सो। तो इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखिए और बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। आपको इनवॉइस मिल जाता है और आपको ये Realme Buds 2 ईयरफोन्स मिल जाते हैं। सो अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे Realme Buds 2 फील द रियल बेस करके लिखा है, Realme का ब्रांडेड यहाँ ब्रांडिंग यहाँ पे है। और अगर मैं पीछे के साइड पे जाऊँ यहाँ पे उन्होंने 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइवर करके लिखा है, बिल्ड इन मैग्नेट्स करके लिखा है, ड्यूअल एंटी ट्विनिंग केबल करके लिखा है और केबल ऑर्गेनाइजर का भी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। सो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ यहाँ पे उन्होंने 799 करके लिखा हुआ है। मैंने ब्लैक कलर का परचेस किया हुआ है। सो इतना ही है इस बॉक्स में। सो अब हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं। इतना ही था इस बॉक्स में। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे ये तो ईयरबड्स हैं और हम निकाल देते हैं इस ईयरफोन को। पैकिंग बहुत ही अच्छी के तरह से Realme ने किया हुआ है, मुझे बहुत ही पसंद आया ईयरफोन। सो यहाँ पे आपको एक मैनुअल जैसा कुछ मिल जाता है, सेम रख देते साइड में। सो ये बेसिकली यूज़र गाइड है और वारंटी के लिए भी आप इसे रख सकते हो। पर मैंने देखा था फ्लिपकार्ट में इसका वारंटी ओनली 6 मंथ्स है, 1 ईयर नहीं है। सो एक डिसअपॉइंटमेंट है, पर बाकी के फीचर्स या डिटेल्स के लिए आप इसे रख सकते हो। सो अगर मैं फिज़िकल ओवरव्यू की बात करूँ सो यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। वायर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक टेक्सचर्ड जैसा वायर आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप देख सकते हो। और अगर मैं माइक की बात करूँ यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ है कॉल एंड या लेने के लिए। और यहाँ पे आपको प्लस माइनस या वॉल्यूम रॉकर्स भी मिल जाते हैं कंट्रोल्स के लिए। सो ये अच्छी बात है। और अगर मैं वायर की बात करूँ यहाँ पे बहुत ही लंबी वायर दी गई है, मेरे हिसाब से 1 मीटर तक होगी ये वायर। और यहाँ पे आपको केबल ऑर्गेनाइजर भी मिल जाता है जिसकी आप इसे एक रोल करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो डिवाइडर्स के बाद यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल मिल जाता है। सो ये अच्छी बात लगी मुझे और क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है इस केबल की। और कंपनी बताती है कि ये टेंगल फ्री वायर्स है पर मुझे उतने ये नहीं लगे, पर ओके कंफर्टेबल है। और यहाँ पे आपको रबर जैसे वायर मिल जाते हैं, इस जॉइंट के बाद जंक्शन के बाद आपको रबर वायर मिल जाते हैं। सो अगर मैं ईयरबड्स की बात करूं यहाँ पे आपको 2 सेट मिल जाते हैं, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है। और ईयरबड की क्वालिटी भी काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही सॉफ्ट दिखती है और ड्यूअल कलर में आ जाते हैं, ग्रेडियंट कलर जो कि अंदर की तरफ येलो कलर है और यहाँ पे ग्रेइश कलर है। सो 2 मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक लगा हुआ है। सो यहाँ पे ये आपको मैग्नेटिक लॉकिंग मिल जाता है, जब आप यूज़ करते हो ये आप लॉकिंग का ये यूज़ करते हो। मैग्नेट उतना मुझे स्ट्रांग नहीं लगा पर ओके आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो अब मैं आपको इसकी साउंड की टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो
सो अभी मैं आपको इसकी माइक की भी एक डेमो दिखा देता हूँ। तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये इस माइक से आ रही है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये माइक की साउंड कैसी लगी। तो अगर मैं अपना पर्सनल वर्डिक्ट बताऊँ इस ईयरफोन के बारे में, इस ईयरफोन की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने अभी यूज़ करके देखा है इसे और ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं और यहाँ पे आपको एक एंगल्ड डिज़ाइन मिल जाता है, अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं और साउंड बहुत ही अच्छा है। बेस भी काफ़ी अच्छा है और आपको वोकल्स और ट्रिबल भी आप काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से म्यूज़िक लवर्स को तो ये ईयरफोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और गेमर्स भी इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड मिल जाती है। और माइक का तो मैंने आपको एक टेस्ट दिखाया हुआ है, सो माइक भी काफ़ी अच्छा है, मैंने कॉल करके भी देख लिया है। सो काफ़ी अच्छी कॉल क्वालिटी थी इस माइक से। अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो मैंने ये Realme Buds 2 क्यों लिया एन कम्पेयर टू Realme Buds 2 Neo, सो मैं आपको डिफरेंस अभी बता देता हूँ Realme Buds 2 Neo और इस Realme Buds 2 का। सो पहला डिफरेंस है इस ब्रांड लोगो का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है R करके Realme का लोगो आपको इस Realme Buds 2 में मिल जाता है और वही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Realme Buds 2 Neo में आपको ये लोगो नहीं मिल जाता है, ग्रेडियंट डिज़ाइन जैसा मिल जाता है। और सेकेंड डिफरेंस है ये कंट्रोल बटन, यहाँ पे आपको एक तीन बटन मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स और ये सेंटर वाला बटन मिल जाता है, पर अगर आप Realme Buds 2 Neo लेते हो वहाँ पे आपको एक सिंगल बटन मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स नहीं मिलते, आपको सिंगल बटन है लाइक कॉल को एंड या म्यूज़िक को प्ले और पॉज करने के लिए। सो थर्ड डिफरेंस है ये 3.5 mm जैक, यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट 3.5 mm जैक मिल जाता है और Realme Buds 2 Neo में यहाँ पे उन्होंने 90 डिग्री का जैक दिया हुआ है। सो ये अच्छा अपग्रेडेशन है Realme 2 Neo में। फोर्थ डिफरेंस है ये लॉकिंग मैग्नेट, ईयरफोन में Realme Buds 2 में आपको ये लॉकिंग मैग्नेट मिल जाते हैं, Realme Buds 2 Neo जो नया वाला लॉन्च हुआ है इसमें आपको ये लॉकिंग मैग्नेट नहीं मिलता। फिफ्थ डिफरेंस है ये वायर ऑर्गेनाइजर, इस ईयरफोन में आपको ये वायर ऑर्गेनाइजर मिल जाता है जिसमें आपको Realme की ब्रांडिंग भी है और ये इस ईयरफोन में मिल जाता है पर आपको Neo में ये वायर ऑर्गेनाइजर नहीं मिलेगा। और सिक्स्थ डिफरेंस है वायर क्वालिटी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है Realme Buds 2 Neo में आपको ऐसी ब्रेडेड वायर नहीं मिलती, आपको एक रबर टाइप यहाँ पे जो वायर है ना जो यहाँ से यहाँ तक है वैसी वायर कंटिन्यूस पूरे 3.5 mm जैक तक मिल जाती है पर यहाँ पे आपको ये ब्रेडेड वायर मिल जाती है। सो ये एक एडवांटेज है इस ईयरफोन का। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये Realme Buds 2 का ही ईयरफोन्स रेकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस इसमें हैं और आप लोग अभी बोलोगे तो ये 100 रुपीज़ ज़्यादा है पर मैंने इसे, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, मैंने इसे 499 रुपीज़ में ही ख़रीदा हुआ है। वो मैंने कैसे ख़रीदा मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये मैंने Flipkart से ऑर्डर की थी, यहाँ पे अगर आप Flipkart ऐप ओपन करोगे यहाँ पे आपको Realme Buds 2 वायर्ड हेडसेट करके आपको मिल जाएगा। अगर अवेलेबल ऑफर्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑफर है फ्लैट 100 रुपीज़ ऑफ ऑन फर्स्ट Flipkart पे लेटर ऑर्डर ऑफ 500 एंड अबव। सो इसका करंटली प्राइस 599 है, आप अगर वो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आपको ये 499 रुपीज़ में मिल जाती है। सो पे लेटर करने के लिए आपको KYC का रजिस्ट्रेशन करना होगा और इमीडिएटली आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। सो आपको ये ईयरफोन्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए और जल्दी से जल्दी इसे आप परचेस कीजिए क्योंकि Realme ने Neo लॉन्च किया है, मुझे लगता है रिसेंटली ये Amazon पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो Flipkart पे भी लिमिटेड स्टॉक होगा। अगर आप एक अच्छा ईयरफोन 500 के रेंज में लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इसे ऑर्डर करके ले लीजिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स मी ट्रेंडी टेक 5 साइनिंग ऑफ।